कैमरा ऑन करते ही पता चला कि हम लाल चौक में हैं और वादी कश्मीर में हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए कैमरा रोकना पड़ा और दोबारा आपसे जुड़ गए। 17,37,865 लोग कल बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में वोट डालने जा रहे हैं और 2,103 पोलिंग स्टेशनों पर कल कतारें होंगी और लोग तय करेंगे कि क्या सज्जाद लोन, इंजीनियर रशीद या उमर अब्दुल्ला बारामुल्ला का मुस्तकबिल होंगे, यानी बारामुल्ला के आने वाले कल के लोकसभा सदस्य होंगे। जहां तक बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र का ताल्लुक है, पांचवें फेज में वहां पर पोलिंग होने जा रही है। 17,37,865 के करीब करीब वोटर हैं और इसमें से 8,75,831 मर्द हैं और 8,62,000 महिलाएं हैं और उसके अलावा 34 वो लोग भी हैं जिन्हें थर्ड जेंडर में शामिल किया जाता है। लगभग 17,128 लोग वो हैं जो डिसेबल्ड हैं, 527 के करीब करीब लोग वो हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है जो कल वोट डालेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2,103 पोलिंग स्टेशन 4 बारामुल्ला के जिलों में, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बडगाम के कुछ जिलों में कल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और पोलिंग स्टाफ इन इलाकों में चला गया है और आज के दिन कैंपेनिंग भी खत्म हो चुकी है। अब इस कैंपेनिंग के खत्म होने के बाद लाल चौक से आपसे जुड़ने का मतलब ये कि क्या हुआ अभी तक पूरी कैंपेनिंग में। इस कैंपेनिंग के दौरान आनन फानन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से जम्मू कश्मीर आए, घाटी में 2 दिन रहे, 2 दिन के दौरे में बहुत सारे लोग उनसे मिले और उसके बाद वो वापस चले गए। सैयद अल्ताफ बुखारी ने समर्थन दिया है सज्जाद गनी लोन को और उनके साथ में होंगे उमर अब्दुल्ला और मुकाबला होगा इंजीनियर रशीद और सज्जाद गनी लोन के साथ। सज्जाद गनी लोन की स्थिति क्या है इस समय? सज्जाद गनी लोन सबसे ताकतवर प्रत्याशी माने जा रहे हैं बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र के इस समय। इंजीनियर रशीद को लेकर आंकलन यह है कि वो अगर वोट काटेंगे तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का वोट कटेगा, और अगर ऐसा होता है और सज्जाद गनी लोन का जो वोट सालों से और सदियों से पड़ता रहा उसी तरीके से पड़ता रहा तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला वहां गए तो पहले दिन से ही उमर अब्दुल्ला के साथ बात जुड़ गई टूरिस्ट। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक आदमी पास से गुजर रहा था और उमर अब्दुल्ला को कह रहा था कि आप टूरिस्ट हैं, आप यहां सैर सपाटा करने आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी ताबड़तोड़ हमने सज्जाद गनी लोन के ऊपर किए और सज्जाद गनी लोन को यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ वो बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और कई और आरोप भी उन पर लगाए। उसके बाद सज्जाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उमर अब्दुल्ला को लेकर जो पहले वो ट्विटर पर कह चुके उसी को रिपीट किया, कहा तरबाज एक नया टर, यानी तरबाज का मतलब होता है झूठा, एक नई झूठी बात गढ़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े दमखम के साथ इस पूरी बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन की है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर भी इस बात से परेशान है कि इंजीनियर रशीद को जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैक्शन मिल रहा है, कहीं ये वोटों में बदल गया तो परेशानी हो सकती है। सज्जाद गनी लोन इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उमर अब्दुल्ला को आउटसाइडर का टैग है और उसके बाद जो उनके पिता ने और उसके बाद जो उन्होंने खुद काम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया है उसके चलते उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन है, लेकिन सज्जाद गनी लोन को समर्थन है सैयद अल्ताफ बुखारी का, बारामुल्ला के दूसरे, बारामुल्ला के पहले बड़े लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग का, और उसके अलावा कई अन्य लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद को भी कुछ डीडीसी और उसके अलावा कुछ आजाद उम्मीदवार और उसके अलावा शोएब नबी लोन ने भी उनको समर्थन देने की बात की है। उमर अब्दुल्ला को भी समर्थन मिल रहा है, पीडीपी के फैयाज मीर भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि फैयाज मीर को लेकर कोई ज्यादा शोर नहीं है, मुनीर खान को लेकर कोई ज्यादा शोर नहीं है, मगर वो भी चुनावी मैदान में है। ऐसा लगता है कि बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला तिकोनिया अभी तक नजर आ रहा है कि ये सज्जाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर रशीद के बीच में मुकाबला बन चुका है। अब 20 तारीख को जब वोट पड़ेगा क्या होगा? कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात भी कह रहे हैं कि जहां तक सज्जाद गनी लोन का ताल्लुक है या जहां तक हम बात करें उमर अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अगर दोनों चुनाव हारते हैं तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के चुनाव हारने का मतलब ये कि जो बात वो 5 अगस्त 2019 को लेकर कहते हैं उसके खरीदार घाटी में नहीं है,
और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो जिस बात पर जोर दे रहे हैं इसका मतलब लोग उनके साथ खड़े हैं। बारामूला लोकसभा क्षेत्र एक इंटरेस्टिंग क्षेत्र इसलिए भी है कि यहीं से मुजफ्फर हुसैन बेग चुनाव जीते, इसी बारामूला लोकसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन चुनाव जीते और इसी बारामूला लोकसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वक्त में तूती बोला करती थी मोहम्मद शफी उड़ी और शरीफुद्दीन शारिक और उसके अलावा अन्य कई और ताकतवर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इसी बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते थे। लेकिन पीडीपी के आने के बाद हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कमजोर होने के बाद पीडीपी के आने के बाद कांग्रेस ने भी इस इलाके में डेंट किया जब ताजमहीउद्दीन ने उड़ी से असेंबली का चुनाव जीता, सोपूर से कांग्रेस ने चुनाव जीता, अन्य कुछ और क्षेत्रों से जैसे कांग्रेस ने सिर्फ सोपूर से चुनाव नहीं जीता बल्कि बांडीपुरा से उस्मान मजीद जीत गए, शेब नबी लोन ने संग्रामा से चुनाव जीता, ये सभी लोग उसके बाद ये लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जब चले गए तो कहानी बिल्कुल पलट गई। तो अब इस समय स्थिति ये है कि त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, क्या होगा 20 तारीख को उस पर हमारी नजर होगी। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि 20 तारीख को अब वोट डलने जा रहा है और देखना यह होगा कि क्या मत प्रतिशत श्रीनगर के 38% को क्रॉस करेगा, क्या 60-70% के करीब करीब पोलिंग होगी और अगर 60-70% वोट पड़ता है तो पहाड़ी कबीला जो इस बारामूला लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में रहता है वो पहाड़ी कबीला वोट किसको देगा, क्या वो पहाड़ी कबीला बीजेपी के कहने पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कहने पर क्या वो सज्जाद गनी लोन को वोट देगा, ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब 20 तारीख को मिलेंगे। लेकिन इनका पुख्ता और पक्का जवाब 4 जून 2024 को मिलेगा, जिस दिन नतीजे निकलेंगे तब जाकर पता चलेगा कि बारामूला लोकसभा क्षेत्र का नया एमपी कौन है।